हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा की ज़िंदगी। कैसे हैं आप सब? आज मैं फिर से लेके आई हूँ किचन टिप्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दादी माँ के घरेलू नुस्खे 23 बेस्ट किचन टिप्स जरूर सुने। नंबर वन, मुंह खोलकर सोने से हुए लोग दिमाग की टेंशन के शिकार होते हैं। नंबर टू, अगर आपके शरीर में सूजन की समस्या है तो इसके लिए तुलसी के पत्तों से बना काढ़े का सेवन करें। इससे शरीर की सूजन को कम करने में मदद मिलेगी। अगर आपके शरीर में सूजन है तो आप तुलसी के पत्ते लीजिए, उसका काढ़ा बनाइए और फिर पी लीजिए। नंबर थ्री, अगर आधे सर का दर्द है तो प्याज को बारीक सा काटकर पैरों के तलवे पर मालिश करें। इससे दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। और अगर आपकी लू भी लगे ही है तो प्याज को काटकर तलवे पर हाथों को हथेलिए पर और माथे पर दोनों साइड आप अच्छे से मालिश करें। इससे आपके सर दर्द लू की सब खत्म हो जाएगी। नंबर फोर, प्याज का अचार खाने से शरीर में खून की कमी नहीं होती है। नंबर फाइव, कड़वे बादाम का तेल सर पर लगाने से जुए खत्म हो जाते हैं। जिनकी जुओं की परेशानी है उनको कड़वे बादाम का तेल लगाना चाहिए। अगर वह नहीं है तो आप सरसों के तेल में नींबू डालकर लगाएं। छह सरसों के तेल में नींबू निचोड़ करके सर पर लगाने से इससे भी जुए खत्म हो जाती है। नंबर सेवन, उड़द दाल को धूप में सुखाकर पेस्ट बना लें। इसे टूटी हुई हड्डी पर बांधकर पट्टी बांध लें। इस उपचार को करने से आपकी हड्डी जुड़ जाती है। अगर आपकी हड्डी टूट गई है तो आप यह नुस्खा ज़रूर आजमाएं। नंबर एट, जो महिलाएं बच्चेदानी से होने वाली सूजन से परेशान हैं, दिन में दो तीन बार अपने पैरों को कम से कम एक घंटे के लिए उठाकर लेटना और आराम करना चाहिए। ऐसा करने से पीड़ित महिलाओं को आराम मिलता है। नंबर नाइन, आलू का कम से कम सेवन करना चाहिए क्योंकि यह बादी होता है और बादी चीज़ नुकसान करती है। इसीलिए बादी वाली चीज़ों का सेवन करने से बचें, कम से कम सेवन करें। नंबर टेन, अगर आपके जुकाम है तो कपूर का रुमाल में रखकर रुमाल को सूंघना चाहिए। इससे जुकाम में आराम मिलता है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा जुकाम हो रखी है तो आप छोटी कपूर जो होती है उसको रुमाल में रखिए और उसका सूंघ, इससे आपके जुकाम में बहुत आराम मिलेगा। नंबर एलेवन, अगर आपका वज़न कम करना चाहते हैं तो हरे केले का सेवन करें। हरे केले में फाइबर से भरपूर होता है जो भूख को कंट्रोल करता है और बॉडी को एनर्जी देता है। हरे केले में कैलोरी की मात्रा कम होती है जो वज़न को कंट्रोल करने में सहायक होती है। नंबर 12, सुबह बासी मुँह लहसुन का सेवन करने से दांत के रोग जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। नंबर 13, पनीर खाने से हमारी याददाश्त तेज होती है। पनीर में पाया जाने वाला विटामिन मेमोरी को बढ़ाता है तो वो हो सकता तो पनीर घर पर ही बनाएं और शुद्ध पनीर आप खाएंगे या बच्चों को खिलाएंगे तो उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी, हेल्दी रहेंगे। नंबर 14, पानी के साथ मेथी दाना खाने से सीने की तकलीफ दूर होती है। नंबर 15, सोने से पहले और जागने के तुरंत बाद पानी पीने से आपकी याददाश्त बेहतर होती है। नंबर 16, अगर आपके बाल झड़ने लगे हैं तो आप उबले हुए चावल का पानी से सर धोए, इससे आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। यह बहुत ही अच्छा नुस्खा है, आप एक बार करके देखें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नंबर 17, रात को कम खाने से मोटापा नहीं आता है तो जितना हो सके रात के वक्त बिल्कुल ना के बराबर खाएं। नंबर 18, सुबह के वक्त अगर आप कॉफ़ी चाय की जगह एक सेब खाएंगे तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। नंबर 19, अगर तेज़ बुखार के दौरान हींग का सेवन किया जाए तो बुखार जल्दी उतर जाता है। नंबर, अगर आपको तेज़ बुखार है तो आप हींग का सेवन कीजिए। नंबर 20, अगर आपको अक्सर मुंह में छाले होने की समस्या रहती है तो भोजन करने के बाद एक गुड़ टुकड़ा चूस ले, इससे आपको छाले नहीं होंगे। नंबर 21, पेट में कीड़े होने पर लस्सी में अजवाइन मिलाकर पिए, पेट के कीड़े मर जाएंगे। नंबर 22, चेहरे पर से तिल और मस्से हटाने के लिए रोज़ एलोवेरा का सेवन करें और
एलोवेरा से रात में सोने से पहले अपने चेहरे पर 5 मिनट के लिए मालिश शुरू करें। इससे चेहरे के दाग धब्बे बिल्कुल हल्के हो जाए और धीरे धीरे बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। नंबर 23, रात में भिगोया हुआ आधा चम्मच कच्चा जीरा सुबह खाली पेट चबाकर पानी पिए। इससे एसिडिटी की समस्या खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की यूज़फुल वीडियो। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए यूज़फुल वीडियो लाती रहूँगी। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, किसी टिप्स के साथ या फिर किसी ब्लॉग के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे, बाय बाय।